जिस पे लिखा हुआ है हे भारत सरकार, हे दिल्ली सरकार, हे हाई कोर्ट, बम पटाके पटाखों का बैन हटवाओ और मुझे मुक्ति दिलवाओ। आपने तलवार देख ली, हाथ देख लिया, पैर देख लिए, सिक्स एब्स देख लिए और मुंडी देख ली, पर एक चीज़ रहेगी जो मैंने भी नहीं देखी थी, वो अब देखी, वो है आईफोन। भाई रावण के पास भी आईफोन है, अब तो मुझे लग रहा है मेरे को भी आईफोन लेना पड़ेगा। क्यों, हाँ करना। 11,000 रुपये के अंदर आपको मिलेगी ये तोप, और ये तोप के साथ मिलेगा भाई ये रावण। हो भैया, रावण ही रावण। आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, और तो इस हिसाब से तो भाई मैं रावण की मार्केट में ही हुआ, जो कि दिल्ली में टैगोर गार्डन सुभाष नगर इस साइड पर अपना मेन है। यहाँ पे काफ़ी सारे रावण बनते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर कि कितने कितने बड़े बड़े, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रावण मिलते हैं यहाँ पे। और वीडियो में बने रहना, और इससे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने यहाँ की मार्केट के जो रावण बनते हैं, और ये आप देख सकते हैं कुछ कितने बड़े बड़े रावण हैं भाई। ये देख सकते हो सामने भाई, ये कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, और कितना टाइम लगा है इसको डेकोरेट करने में। और ये भाई काफ़ी टाइम से बन रहे हैं, नवरात्रे चल रहे थे तो टाइम नहीं मिल पाया मेरे को भी वीडियो बनाने का। तो मैं सोच रहा था कि भाई आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ कि भाई हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर टैगोर गार्डन सुभाष नगर इन साइड पे जो रावण बनते हैं काफ़ी फेमस, देख सकते हैं आप धड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, कलरफुल, इतने सारे कलरफुल, इतने भयंकर भयंकर भाई रावण का फेस तो इतना बढ़िया बना रखा है इन्होंने। तो वीडियो में बने रहना, मैं आपको भी आगे और दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो रावण ये लोग तैयार होते हैं ये किस टाइप से होते हैं। देखो भाई ब्लू कलर और ये गोल्डन कलर, तो ये आप समझ सकते हो कुछ इस टाइप से। तो जबकि अभी भी काम चल रहा है इनके अंदर, और ये कैमरामैन जल्दी वहाँ फोकस करो। तो ये आप देख सकते हैं ये भी रेडी हो रहा है, ताज कितने बड़े बड़े ताज हैं, और ये उसके हाथ हैं, और भाई क्या भयंकर फेस है यार। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, लोगों ने तो भाई लोडिंग स्टार्ट कर दिए टेम्पू के अंदर। मूछे देखो यार, मूछों पे कलाकारी देखो भाई कितना भयंकर, और इनकी मेहनत तो भाई अभी भी चालू है, कल दशहरा है, और मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा रावण जा चुके हैं। देख सकते हैं ट्रक है, ट्रक में लोड हो रहा है सामान, और ये सारा पूरा रेडी हो चुके हैं, बस ऑलरेडी अब ये जाने को तैयार हो रहे हैं। और वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ओह माय गॉड, देख लो भाई कितने बड़े बड़े रावण मिलते हैं यहाँ पे, मार्केट है भाई, रावण ही रावण। तो भाई धड़ पे भी इतना सारा काम, ओ माय गॉड, देख सकते हो भाई फुल लोड कर लिया इन्होंने। देख लो भाई लोडिंग ऐसे चल रही है यहाँ पे, अभी मैं और दिखाता हूँ पब्लिक दे भैया, स्टैंड स्टैंड स्टैंड, मतलब इतना बेहतरीन घाघरा बनाया है और ट्विटर लगा रखे हैं इसके अंदर, और इतना कुछ लगा रखा है। तो आप देख सकते हो कि छोटा छोटा, हेलो, बिल्कुल ये रहा चैनल, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, तुम भी आओगे इसके अंदर। जैसे कि नॉर्मल में तो अजीब अजीब से कलर हो रखे हैं, बट इनके अंदर देखो भाई क्या फिनिशिंग दे रखी है, और क्या धोती है यार, मतलब रात के टाइम अगर ये ग्राउंड्स में जब खड़े होंगे, जब ये लगेंगे तो भाई कितने बेहतरीन लगेंगे। ये पूरा रोड भरा पड़ा है भाई, ये लंबी वीडियो या छोटी करूँ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा है ना, बता नहीं सकता। देखो मार्केट देखो, छोटे 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 रोड, छोटे इतने पहले कभी देखे नहीं कभी इतने रावण, और इस बार देख लो कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। और ये देखो छोटे छोटे रावण, इतने भयंकर भयंकर फेस बना रखा है इन्होंने, और अभी भी काम चल ही रहा है इनके ऊपर। तो ये पूरी लाइन है, इनसे बाकी रेट भी लेंगे। आंटी कितने से स्टार्टिंग है? 600 के? अच्छा, एक या दो? दो। और मैं बच्चों को सोचा था कि भाई गिफ्ट करने के लिए कि भाई मैं कुछ गिफ्ट करूँगा, तो इनमें से सोच रहा हूँ एक पसंद कर लूँ, और बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार, 600 रुपये में क्या मारे हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। कितने के आंटी ये छोटे वाले? 200 रुपये। लो भाई वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लो, रावण ही रावण भाई। कल दशहरा है, और ये कैसे रेडी होगा आज आज में? तो ऑलमोस्ट रावण जा चुके हैं, जो बचे हैं थोड़े बहुत वो यही हैं जो दूर दूर के थे, वो सारे जा चुके हैं। यू टर्न,
यू टर्न लेने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। देखो और यहाँ से अगर बॉल मारते हैं तो सारे राउंड आउट, बट अब देखो यार मुझे लग रहा बच्चों को देना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ बड़ी वाली मुंडी दे दूँ, तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अभी देखते हैं इसमें से कोई सेलेक्ट करता हूँ और बच्चों के लिए भी लेके जाऊँगा। व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि समझ ही नहीं आ रहा है। देखो यार कैसे, मतलब यार क्या कलाकारी है लोगों की, इतने बढ़िया तरीके से बना रखे हैं। और ये देखो बताओ अब इस वीडियो को मैं कितना छोटा करूं। भैया भी देख रहे हैं वीडियो बनाते बनाते, उनके व्लॉग में हम आ रहे हैं, हमारे व्लॉग में वो आ रहे हैं, और ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, छोटे छोटे मुंह बना रखे हैं 10, और ऐसे लग रहा है हमसे बात करने वाले हैं। चलो वीडियो में अभी दूसरी साइड जाता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। मेरे को दिक्कत तो लग गई है, भीड़ हाय कर दो भाई, हेलो कर दो सारे के सारे, सारे आएंगे वीडियो के अंदर। तो ये है धड़ और ये हो रखा है लोड, सारा लोड कर रखा है इन लोगों ने, और पता नहीं कैसे जाएंगे, कितने बड़े बड़े टेम्पू में जाते हैं रावण। तो मैं डेली निकल रहा था यहाँ से तो सोचा एक वीडियो बनाई जाए, तो फिलहाल मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा रावण तो जा चुके हैं और जो बचे हैं वो आपके सामने ही हैं, यही हैं, और वो भी अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सारे सेल आउट हो गए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी हो जाएंगे। मंडी देखनी हो तो टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे आ जाओ और आपको मंडी देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आया था रजौरी गार्डन, तो रजौरी गार्डन में मैंने कुछ देखा भाई, ऐसा रावण आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब पूरा मतलब इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन बना रखा है इसको, ये आप देख सकते हैं तलवार कितनी बड़ी है और इसी हिसाब से रावण के हाथ, तो ये कुछ इस तरीके से बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि फिंगर मतलब रियल लग रहा है, और कुछ इस साइड पे आपका ध्यान जाएगा तो ये देखो भाई 6X वाला रावण, तो पैर ये है, हाथ ये है, तलवार ये है, और धड़ तो आपके सामने ही है, मुंडी भी आपके सामने ही, इतना बढ़िया रावण बनाया है। तो ये आपको दिख रहा होगा टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो कुछ इस टाइप के यहाँ रावण मिलते हैं, और भी रावण है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मूछे देखो, मतलब मूछों को, मूछे घाघरा और ये अपने हाथ तलवार सब कुछ, पहले अगर लेते हैं तो अच्छा एक कोई सा भी लो, अगर बड़ा रावण ले जैसे ये वाला रावण है, बड़ा रावण 1200 का, 900 का, 800 का, 700 का, 500 का, अगर मैं बाइक पे बंधवाना चाहूँ मेरी बाइक पे बन जाएगा? बिल्कुल ओके, अब जरा सा गिर जाए पैसे वापस। अरे क्या बात है अंकल, कहीं भी गिर जाए खुल जाए पैसा डबल ले जाओ, कोई बात नहीं अंकल। ये बाइक एरी में अभी देख रहा हूँ, पसंद करता हूँ इनमें से, फिर देखते हैं। 100, 150, 200 इन सबसे स्टार्टिंग है, 800 भी है, 500 भी, 1000 है, काफी महंगे महंगे भी है, छोटे छोटे सस्ते सस्ते भी है। ये 500 रुपए का है, क्या बात है, देखो भाई इतनी भयंकर आंखें भाई। तो भाई जो मेरे छोटे छोटे जो फ्लोर पे बच्चे रहते हैं उनको मैंने बोला था कि मैं तुम लोगों के लिए लेके जाऊंगा, तो फिलहाल मैं भी देखता हूँ इनमें से कोई पसंद आएगा तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था ये छोटे छोटे रावण, वहाँ तो अंकल बहुत ज़्यादा रेट है, महंगा बता रहे थे, तो ये रावण है छोटे छोटे, और इन्हीं के साथ में मैं पीछे दिखाता हूँ कितनी बड़ी विशाल मुंडी रखी हुई है, पिंक कलर और नियॉन कलर। मैं जैसे कि आपको दिखा रहा था रावण, और यहाँ पे भाई कुछ न्यू सब्सक्राइबर मिले हैं, ये भाई है, हाय कर दो, हेलो। तो भाई ने भी सब्सक्राइब किया है चैनल, तो ऐसे ही तो मैं आपको जो वीडियोज़ में आपको दिखा रहा हूँ कि जो रावण हमारे यहाँ मिल रहे हैं, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रावण के बाजार में। तो ये बाजार रावण का नहीं है भाई, ये जो लोग बनाते हैं रावण छोटे छोटे पुतले, तो ये कुछ इस टाइप का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दूर दूर तक देखेंगे वहाँ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारे रावण मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैं इस लाइन में हूँ, जाता हूँ फिलहाल उस लाइन में, सामने वाली लाइन में, तो वहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ शॉर्ट्स हैं, तो छोटे रावण हमने बहुत देख लिए, तो थोड़े से आते हैं बड़े रावण की फेस के साइड, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और इतना बेहतरीन लग रहा है, खौफनाक। और यहाँ से स्टार्ट होती है बड़ी बड़ी रावणों की फेस, और कलाकारी देखो, मूछें देखो, और ब्यूटीफुल कलर्स हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, सारे कलर मिल रहे हैं। तो मैं कुछ इस साइड गेट से अंदर आया हूँ, और अंदर आके देखा मेरे को पार्क के अंदर जो बच्चे मेहनत करके ये बनाते हैं, और ये बड़े बड़े जो घाघरे दड़ हैं जो कैसे रेडी होते हैं, कुछ बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं। तो फेस तो मैंने आपको दिखाया सामने की साइड से,
तो फिलहाल मैं बैक साइड पे आ गया हूँ और वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ तामझाम है जिनसे ये रेडी करते हैं, तो धड़ पे लगे हुए हैं। ये क्या उससे आटे की आरा रोड है क्या है ये? आरा रोड है। लाई, लाई का अच्छा लाई है। अच्छा अच्छा, तो इसे चिपक जाता है एकदम पक्के वाला? क्या बात है, बहुत बड़ा माल है। ओ तेरी क्या बात। तो ये भाई छोटे उस्ताद लगे हुए हैं चिपकाने में। तो ये हो जाएगा रेडी आज शाम तक, हो जाएगा ना? क्या बात है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तांबड़ा लगाया है, क्या लगाया है इसके ऊपर? ये डिजाइन है, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़े बड़े भाई, मेरी हाइट तो फिलहाल अभी इतनी है नीचे तक, और ये कम से कम काफ़ी लंबे लंबे घाघरे हैं। धोती, घाघरा, चोली, वो है आपका घाघरा और ये है आपकी धोती। तो आपकी नहीं, ये है रावण की धोती। तो ये रेडी हो गई है और इसके अंदर भी इन्होंने कुछ ट्विटर, जो स्पीकर के ट्विटर्स होते हैं वो लगाए हैं इसके अंदर, जिससे कि ये इसका लुक और बढ़िया और बेहतरीन निकल के आया है। और ये कुछ ब्लू टाइप में है, ये ग्रीन है। तो भाई आप सभी लोग देखो ताज। तो जैसे कि मैंने दिखाया बाहर फेस थे और मैं आगे की साइड गया तो धोती, घाघरा, चोली सब मिला, और यहाँ पे मिले हैं ताज। कुछ बड़े बड़े फेस, वापसी डरावनी डरावनी आँखें, डरावनी डरावनी मूछे। तो मैंने कहा आगे आगे मार्केट के साइड गए, रोड पे चलते रहे हमें और आगे फेस दिखे, तो मैंने कहा चलो वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे, वीडियो भी अभी बाकी है। तो आपने वो नॉर्मल फेस मुंडियाँ देखी होगी रावण की, तो इसके अंदर ये कुछ डिज़ाइन और कुछ भयंकर और सुंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो कलर्स मेरे को दिखे, मैंने कहा चलो भाई इनको भी वीडियो में लिया जाए और अपने यूट्यूबर फैमिली को दिखाया जाए। और इसके साथ में आपको मैं दिखाता हूँ एक ये जो पर्सनली मेरे को पसंद आई। ये भाई क्या मतलब, इतनी भयंकर लग रही है ये फेस, इतना भयंकर लग रहा है आप देख सकते हैं। ब्लैक पूरी मुंडी है, सिल्वर कलर से इसको डिज़ाइन किया गया है, फेस, आइज़ और जो इसका मेकअप किया गया है बहुत बढ़िया। गेटअप इतना बढ़िया आ रहा है। तो बाकी ऐसी मुंडी मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि आपने ये देखी ऐसी और भी हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं रावण का फेस ये है और ये बलियाँ हैं और ये ट्रक के अंदर लोड हो रहा है सामान, ये दौड़ देख लो। और ये मुंडी, ओ भाई क्या बात है, भयंकर, बहुत भयंकर। मूछों पे आप कलाकारी देखो, किस तरीके से शैतान का चेहरा बनाया हुआ है फेस। तो मैं मार्केट के साथ, मैं एक पार्क के अंदर मैंने एंट्री करी है जहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ही सामान है। यहाँ पे ताज मिल जाएंगे और ये पता नहीं हाथ है या पैर है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये फेस देखो, ये मतलब इतने बढ़िया तरीके से बनाया है इन लोगों ने। बस अभी ये रेडी है और अपने अपने जैसे जिन लोगों के ऑर्डर पे हैं वो सब बस लेके जा रहे हैं। और कलर भी इतने ब्यूटीफुल है, कल दशहरा है तो मुझे लग नहीं रहा कि इनका स्टॉक बचेगा। भी बैक कैमरे से भाई बहुत कर ली वीडियो शूट, तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई मैं भी आ जाऊँ रावण के साथ, थोड़ा सा रंग मैं भी रंग लूँ। तो भाई इतने सारे कलर हैं यहाँ पे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता था इस पार्क के बारे में कि जहाँ इस पार्क के अंदर ये इतना सारा सामान रेडी होता है, कि वहाँ पे ताज भी हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ धड़ जैसे कि रेडी हो रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है। बस इसको सिर्फ वहाँ रखना है, बल्ली अंदर डालनी है और मुंडी निकालनी है, हाथ लगाने हैं और ये रेडी है। और हाथ ये कुछ इस टाइप के हैं, वो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या है, हाथ पैर ये रेडी हैं। और ताज है ये, छोटे छोटे रावण, बड़े बड़े रावणों के धड़, घाघरे, सब कुछ रेडी हो रहा है। और कुछ रेडी हो रहा है, कुछ रेडी हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ताज। तो फिलहाल मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को यहीं करेंगे ख़त्म। पर जो शॉर्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वीडियो में बने रहना, बस वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी क्योंकि यहाँ बहुत सारे रावण हैं, मैं दिखाते दिखाते मैं ही थक जाऊँगा, वीडियो ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया पहले वाले शॉर्ट्स के अंदर कि इतने बड़े बड़े फेस हैं, इतने बड़े बड़े धड़ हैं, तो इनको कैसे लेके जाया जाता है अपने अपने जगहों पर। तो ये कुछ ऐसे लोड होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बच्चों के लिए, जो मैंने बोला था कि मैं रावण लेके जाऊंगा यहाँ से, तो अभी फ़िलहाल मेरे को कुछ रावण समझ आए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया ये वाला। तो ये वायरल भी हो गया है काफ़ी, भैया ने बताया काफ़ी यूट्यूबर आए हैं और काफ़ी वीडियो बन रही है इसके ऊपर। ये लंबे लंबे जो दिख रहे हैं आपको, ये 500-600 ये ऐसे कुछ में मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और बाकी मैं देखता हूँ बच्चों के लिए कुछ समझ आ रहा है तो यहाँ से मैं दूंगा, फाइनल डन करूँगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है ये इसके। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, नहीं मेहनत भी की है और ये इतना जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो मैंने बच्चों को किया था वादा कि भाई मैं उनके लिए लेकर आऊँगा एक छोटा सा क्यूट सा रावण, तो मैंने खरीद लिया है। और मैंने कितने का लिया है भाई, मेरे को रेट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा, पर नहीं नेगोशिएट करके, यहाँ नेगोशिएट ही करना पड़ता है। तो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने अभी रावण कौन सा लिया है बच्चों के लिए। तो
ये देख सकते हैं आप, ये न्यून कलर का लंबा सा रावण, काफ़ी सारे थे, मेरे को पसंद तो ये आ रहे थे, बट भाई तीन चार हज़ार में नेगोशिएट ना भाई ना, तो अपना बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो ये कुछ रावण है जो अपनी बाइक पे बंधेगा, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे लेके जाऊँगा और अपने मोबाइल को लगाऊंगा कैमरे हेलमेट के ऊपर, फिर मैं दिखाता हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई पीछे बांध दिया रावण को, जुगाड़ नहीं मिला 40 हज़ार के पीछे, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो रावण कैसे जा रहा है, तो भाई बच्चे को किया था वादा, तो भाई फाइनली मेरे को लाना पड़ा, तो परचेज कर लिया है। बाकी अब देखते हैं भाई, मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा, अब समझ नहीं आ रहा मैं हिलूंगा तो कैसे बनेगी वीडियो। तो कह रहा 2500 का, मैंने अच्छा तेरे को इसके 2500 रुपये दूंगा मैं। मम्मी लगे इसके अंदर है, पता नहीं क्या लगा है क्या नहीं लगा, ये मेरे को भी नहीं पता। देखो बच्चों खुशी, लो भाई तुम्हारा गिफ्ट आ गया। हाँ हमारा है, तुम्हारा है, खोलो भैया इसको रस्सी से खोलो, वो ऐसे नहीं, आराम से। तो भाई फिलहाल रावण आ गया है घर पे, तो बच्चे भी बहुत है खुश। तो भाई कैसा लगा मेरा गिफ्ट, बढ़िया लगा ना? इस पे लाइक कीजिए, इस पे वो कीजिए, ये कीजिए, बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया। तो भाई कैंडी बैठ गई है हमारी बाइक पे, वाइट वाइट वाइट, बेटा मुझे लग रहा है तू चला के मानेगी या इसको उड़ा के मानेगी। तो बच्चों बताओ भाई कैसा लगा, बढ़िया लगा ना? तुम्हारे वाला रावण का जो तुमने बनाया था ऊपर है, कब लाओगे, कल लाओगे? चलो बढ़िया कैंडी। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, तो मैंने आपको दिखाया कि दिल्ली के अंदर टैगोर गार्डन, सुभाष नगर, रजौरी गार्डन कहां का रावण मिलते हैं, कहां का बनते हैं। तो आप लोगों को कभी चाहिए हो तो यहां पे मैन्युफैक्चर ये खुद ही बनाते हैं भाई, पता नहीं कैसे कैसे करके बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो मैंने रावण का सब कुछ मैंने ब्लॉग के अंदर दिखाया आपको कि कहां मिलते हैं कैसे मिलता है। तो फिलहाल बाइक के साथ मैं पहुंच चुका हूं, ये आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक है और मैं आ गया हूं, और बच्चों के लिए मैं ले आया हूं रावण। तो पीछे आपको दिख रहे होंगे बच्चे, तो इनको मैं इंट्रोडक्ट कराता हूं भाई, ये जो खुशी हो रही है इनको, मैंने अभी शांत कराया बड़ी मुश्किल से, मैं इनको दिखाता हूँ आपको, फेस दिखाता हूँ इनका। तो भाई कैसा लगा तुम लोगों को ये गिफ्ट, बहुत बढ़िया लगा? अब मेरा गिफ्ट कहाँ है, तुम लोगों को तो गिफ्ट मिल गया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या बात है, क्या बात है, बस यही बच्चों का प्यार चाहिए और बच्चे हो गए खुश। तो मैंने इनको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं इनके लिए ये एक राउंड लेकर आऊंगा, तो मैं ले आया। और वीडियो करते हैं यही खत्म, थैंक्स फॉर वॉचिंग।